यूबीसॉफ्ट पबजी इंडिया में लॉन्च होने वाला है या फिर नहीं? अगर होने वाला है तो कब तक आपको एक गेम प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा? वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, उसके साथ साथ एक शॉकिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो देख के मैं तो भाई शॉक हो ही गया हूँ, आप भी देख के हैरान हो जाओगे, इतना शॉकिंग चीज़ है। तो अभी से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक टेक्नो माइंड उज्ज्वल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी जाकर सब्सक्राइब करो, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार मैं सिंपली गया था ना प्ले स्टोर में किसी ऐप को अपडेट करने, तो मुझे सजेशन में एक शॉकिंग ऐप दिखा है जो कि है यूसी मिनी, जो ऐप आज से 1.5-2 महीने पहले बैन हो चुका है इंडिया में, उस ऐप को अभी भी प्ले स्टोर में सजेस्ट किया जा रहा है। आप सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा यूसी ब्राउज़र यूसी मिनी, बट जब भी आप किसी ब्राउज़र को सर्च करेंगे यूसी ब्राउज़र लाइक, उस टाइम आपको सजेशन में यूसी मिनी डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और उस ब्राउज़र को मतलब यूसी मिनी को आप डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हो बैन हो जाने के बाद। ये चीज़ अभी भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जो ऐप बहुत दिन पहले बैन हो चुका है उस ऐप को तो अब तक ये लोग रिमूव कर नहीं पाए पूरी तरह से, और चले पबजी के ऊपर बैन लगाने। अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो भाई पबजी को मॉडिफाई करके डेफिनेटली उसमें से चाइनीज़ कंपनी को हटाकर इंडिया में वापस लाना चाहिए, और उसके साथ साथ इंडिया में जो गंदे वेबसाइट से मतलब पॉ पॉ मैं बता भी नहीं सकता, आप समझ सकते हो ना पॉ वाली वेबसाइट्स, उन सभी वेबसाइट पे ऊपर बैन लगाना चाहिए यार, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा लोगों को। अब बात करते हैं यूबीसॉफ्ट पबजी की। जब इंडिया में सबसे पहले चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जा रहा था, उस टाइम यूबीसॉफ्ट कंपनी ने, जो कि भाई एक लेजेंडरी कंपनी उसे बोल सकते हो, एसेसन स्क्रीड जैसे गेम जो कि आप खेल चुके होंगे, उस गेम को यूबीसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था मतलब टाई अप करके, उस कंपनी ने पबजी के ऊपर यानी ब्लू होल कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट जताया था। उन लोगों ने कहा था कि हम लोग ब्लू होल के साथ मिलकर कोई गेम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो टेंसेंट पबजी इंडिया में बैन हो जाने के बाद यूबीसॉफ्ट पबजी मोबाइल की चांसेस इंडिया में लॉन्च होने की बहुत ज़्यादा हो गया था, बट पबजी गेम जो है ये लॉन्च होने के बाद धीरे 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 चांसेस जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि जो पबजी गेम है वो एक बैटल रॉयल गेम है जैसे कि आप जानते हो, और बैटल रॉयल गेम को 1-2 दिन में भाई प्लान किया नहीं जा सकता है, चाहे वो कोई भी बैटल रॉयल गेम हो, कार्टून वाला हो या फिर अच्छा खासा ग्राफिक्स वाला। इस टाइप की गेम्स को प्लानिंग करने के लिए आपको मिनिमम तो भाई 1-2 महीना चाहिए ही चाहिए। इस फौजी गेम को बहुत पहले ही प्लान कर लिया गया था, उसी के वजह से इंडिया में जो सबसे बेस्ट बैटल रॉयल्स गेम्स है जैसे कि पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें से लीडिंग गेम था पबजी, तो लीडिंग गेम को हटा दिया गया है इंडिया से ताकि ये फौजी गेम जो है इंडिया में पॉपुलर हो पाए। ये फैसला काफ़ी पहले ही लिया जा चुका था कि ये गेम लॉन्च होने वाला है इस दिन को, या फिर पोस्टर लॉन्च होने वाला है इस दिन को, उससे पहले जैसे भी करके पबजी को हटाना है इंडिया से, क्योंकि अगर पबजी से लोग मन हटा देते तो कुछ लोग तो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी पे जाएंगे, कुछ लोग पता नहीं फ्री फायर पे जाएंगे भी या नहीं, ज़्यादातर लोग कॉल ऑफ ड्यूटी पे जाएंगे, और उसके बाद भी जो भी लोग बचेंगे वो लोग फौजी गेम को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक सोचा समझा प्लानिंग बोल सकते हो, और अगर फौजी गेम को पॉपुलर होने के रास्ते में कोई और गेम आ जाता है, चाहे वो फ्री फायर हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फिर कोई अदर्स गेम, उसके साथ भी सेम चीज़ किया जाएगा, कोई ना कोई रीज़न देकर उसे इंडिया से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। यही फिलहाल के टाइम में प्लान है जो कि धीरे धीरे हम जैसे आम जनता को पता चल रहा है। इसके बाद अगर आप पूछते हो यूबीसॉफ्ट पबजी इंडिया में आ सकता है या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं भाई चांसेस तो बहुत कम है, अगर फिर भी आता है तो आपको मिनिमम 3 से 4 महीना वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूबीसॉफ्ट जो है एक जाना माना ब्रांड है, ये लोग बेकार के गेम तो भाई बनाते नहीं है, जो भी गेम में अपने इन्वेस्ट करते जो भी गेम ये लोग बनाते वो वन ऑफ द बेस्ट रहता है, जैसे कि एसेसिन्स क्रीड आज तक के सबसे सक्सेसफुल गेम्स में से एक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ जो भी चीज़ मैं बताना चाहता था इस वीडियो के ज़रिए आप समझ पाए हो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, और इस वीडियो पे डेफिनेटली एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक टेक्नो माइंड उज्ज्वल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।